हे गाइस, तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के नए फ़ोन के पेटेंट के बारे में, जिसके बैक साइड में लगी है एक सेकेंडरी डिस्प्ले। इसके अलावा नूबिया की तरफ से नूबिया रेड मैजिक वॉच को लेके एक लेटेस्ट न्यूज़ है, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओप्पो ने एक ऐसे फ़ोन का पेटेंट रजिस्टर कर दिया है, जिसके बैक कैमरा मॉड्यूल में देखने को मिलेगी एक छोटी सी सेकेंडरी डिस्प्ले। ऐसी एक सेकेंडरी डिस्प्ले वाला फ़ोन हमने रिसेंटली देखा था, जो कि आई थिंक शाओमी मी 11 अल्ट्रा हो सकता है। उसमें भी एक बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल के साथ एक छोटी डिस्प्ले लगी थी। एक हैंड्स ऑन वीडियो के अकॉर्डिंग सेकेंडरी डिस्प्ले का यूज़ एज अ व्यू फाइंडर भी किया जा सकता है, जिससे जो यूज़र है वो बैक कैमरा से ही सेल्फी ले पाएंगे। ऐसा लगता है कि ओप्पो भी अपने फ़ोन में कुछ ऐसी ही सेकेंड डिस्प्ले को यूज़ कर सकता है, जो कि मी 11 अल्ट्रा की तरह ही काम करेगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके फ्रंट में कोई भी कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका मतलब तो यही है कि यूज़र सेकेंडरी डिस्प्ले को यूज़ करके सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। इस फ़ोन में कहीं भी सेल्फी कैमरा ना होने की वजह से फ्रंट में आपको एक फुल स्क्रीन देखने को मिल सकती है, वो भी बिना किसी कटआउट या नॉच के। वैसे पेटेंट इमेज को देखें तो यहाँ सेकेंडरी डिस्प्ले में आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है, अगर आपका फ़ोन उल्टा रखा हुआ है तो भी आप डेट एंड टाइम देख पाएंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि ओप्पो इस डिस्प्ले में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकता है, लाइक क्विक नोटिफिकेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। टॉप और बॉटम के जो बेजल्स हैं वो बहुत ही पतले हैं। लेफ्ट साइड में लगा है वॉल्यूम रॉकर्स, राइट साइड में है पावर बटन। बात करें बॉटम की तो बॉटम में है USB टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर ग्रिल और एक सिम ट्रे। इसके बैक साइड में लगा है एक राउंड कैमरा मॉड्यूल, जिसके मिडल में लगी हो सकती है सेकेंडरी डिस्प्ले। कैमरा मॉड्यूल में तीन कैमराज के साथ लगी है एक LED फ्लैश। बाकी अभी फ़ोन के सेकेंडरी डिस्प्ले और कैमराज को लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। देखते हैं ओप्पो क्या करता है इस सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ। आप बताना नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये सेकेंडरी डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट। और अब लास्ट में बात करते हैं नूबिया की तरफ से आने वाली नूबिया रेड मैजिक वॉच के बारे में। तो यार ये है नूबिया रेड मैजिक वॉच का फर्स्ट लुक, कुछ ऐसी दिखेगी ये वॉच। और ये लॉन्च हो सकती है नूबिया रेड मैजिक 6 गेमिंग फ़ोन के साथ, जो कि चाइना में 4 मार्च यानी 4 मार्च को लॉन्च होने वाला है। तो यार ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ता-ता।